देखो बेटा, संख्या पद्धति, ठीक है, इस चैप्टर को अगर हम देखें नाइन्थ में, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है देखो, उसको तो सभी बच्चों को पता ही है, हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा अपरिमेय संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव, ये सब चीजें हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या बच्चों क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, हमारे पास जो संख्या होती है ना, वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बेटा आते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हमारी दो तरीके में बटी हुई होती हैं। ठीक है, दशमलव वाली, ठीक है, दशमलव वाली संख्याएं, और एक दूसरी हमारी नॉर्मल जो बिना दशमलव वाली होती है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, और वास्तविक संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और दशमलव से प्रसार के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे इसमें से मैक्सिमम जो है हम आज की क्लास में कवर कर पाए, जो आपको हेल्प करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं को वर्गीकृत कैसे किया गया, सभी को पता है ना, हमारी क्लास में सभी बच्चों को पता है ना कि हमारे पास संख्या की बात करें तो पहले हमारे पास जो संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बाद हम कैसे करते हैं संख्याओं को, क्या सबको याद है हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं होती है, हमने तीन तरह की संख्याएं तो पढ़ी हुई है ना, कौन कौन सी संख्या पढ़ी हुई है, प्राकृतिक संख्याएं है ना, और प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हुई है, उसके बाद हमने कौन सी संख्याएं पढ़ी है प्राकृतिक के बाद, बता दो जरा, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है, दूसरी कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जो एक से स्टार्ट होती है, अगर हम पूर्ण जीरो, संख्या मैम, हाँ पूर्ण संख्या मैम। पूर्ण संख्या, बिल्कुल सही, पूर्ण संख्या, और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक, है ना। तीन तरह के हमने नंबर पढ़े हुए हैं, अब हम और तरह की पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, सबको ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं पी बटा क्यू की फॉर्म में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, जहां पर क्यू आपका जीरो नहीं होता है, और पी और क्यू क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं, है ना, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि मान लीजिए मेरे पास कोई पूर्णांक है, सभी बच्चों को आता है ना, हम पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हम किसी भी संख्या को कैसे अंकित करते हैं, आता है ना, कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर नंबर लाइन को, मैं इसे पूर्णांक की नंबर लाइन क्यों बोल रही हूँ बच्चे, क्योंकि देखो इसके ऊपर जीरो भी है, सारी नेगेटिव संख्याएं भी हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी हैं, है ना। अगर किसी नंबर लाइन की संख्या रेखा पर अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, तो उसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं किसी भी संख्या को यहाँ पर निरूपित करना चाहती हूँ कि -5 पे, तो -5 क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे कि मैम ये -5 है, तो संख्या रेखा क्या होती है, जिसके ऊपर आपके सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और जीरो भी होती है, एक सीधी रेखा जिस पर संख्याओं की बराबर अंतराल पर अंकित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, और इस यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, एकमात्रक दूरी, याद है सभी को, एकमात्रक दूरी। ठीक है, सो ये चीज हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ओके, सो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बच्चे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होती है, जो मेरे सभी बच्चों को पता है, जो संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बेसिकली जिनसे हम चीजों को गिन सकते हैं, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं ये वाली हो गई, अगर इसमें मैं जीरो भी मिला दूं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर दूं तो मैं इसे पूर्ण संख्या कहूंगी, राइट, और अगर मैं क्या करूं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, पूर्णांक हो गया। बेटा ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रही हूँ ताकि आपको मेन चीज समझा सकूं। ठीक है, यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को समझ आया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, जिसको हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया, जीरो से स्टार्ट, अगर एक से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5, तो प्राकृतिक संख्या होती है, जीरो इंक्लूड कर दिया तो पूर्ण संख्या, और उसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए तो पूर्णांक हो जाता है, सिंपल है बच्चे, है ना। ठीक है, ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्या जो इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने जा रही हूँ बेटा। ठीक है, चलो
देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर हम इंग्लिश में बोलते हैं। परिमेय संख्या बेटा क्या होता है बेटा, प्लीज हिमांशु शर्मा की आईडी से गुड इवनिंग बच्चे, लेकिन किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे बात करो, ठीक है। देखो प्राकृतिक परिमेय संख्या सभी को याद है ना क्या होती है, जिन्हें हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और जहां पर आपका क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, और पी और क्यू आपका क्या होगा बच्चे, अपूर्णांक होगा, राइट। यही चीज पढ़ी है हमने, सिर्फ तीन चीजें हैं डेफिनेशन में। चलो मुझे अभी जल्दी से सभी बच्चे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर पांच लिख रही हूँ क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, और मैं फिर किसी बच्चे से पूछ लूंगी क्यों, बता दो जरा जल्दी से। नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, परिमेय संख्या क्यों नहीं है ये, कौन बताएगा परिमेय संख्या क्यों नहीं, जो बच्चे नहीं लिख रहे। हाँ मैम हम एक फोन से दो हैं। हाँ बच्चे कोई बात नहीं, दोनों ने एसआरएन नंबर डाला है ना। यस मैम। हाँ बस ठीक है, परिमेय संख्या क्यों नहीं है बेटा, ये परिमेय संख्या है, देखो कोई भी नंबर हो उसके नीचे आप एक लगा सकते हो ना, लगा सकते हो ना, और उसके उससे उस नंबर का वैल्यू तो कम नहीं होता, वो पांच का पांच ही रहेगा। तो हम कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या पूर्णांक हो, कुछ भी हो, माइनस 12 भी लिख रही हूँ ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपने माइंड में एक चीज रखना बच्चे कि कोई भी हो नंबर, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या फिर पूर्णांक हो, सभी परिमेय संख्या होती है। क्या मेरी बात समझ आई है, सभी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके नीचे आप क्या लगा सकते हो, उनके नीचे आप एक लगा सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया 2000, मैंने पूछा कि ये 2000 बेटा प्राकृतिक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहोगे, यस मैम ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हम इसके नीचे एक लगा सकते हैं। तो कोई भी मैं हमारे पास बेटा प्राकृतिक संख्या हो, है ना, पूर्ण संख्या हो, या पूर्णांक हो, सभी क्या होती हैं बच्चे, सभी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये याद रखो, जिस भी संख्या को आप पी बटा क्यू में लिख सको, वो एक परिमेय संख्या होती है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अब बात आती है बेटा कि परिमेय संख्याओं को क्या हम संख्या के रेखा पर लिख सकते हैं, यस बच्चे सिंपल है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। मैंने आपको याद है हमने परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर लिखा था, मान लीजिए मुझे 1/2 को लिखना है संख्या रेखा पर, हम क्या करते थे, हम क्या करेंगे, हम पहले इसको दशमलव में बदल देते हैं, है ना, और देख लेते हैं 0.5 आएगा, यानी कि आपका किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना, तो उसे मैं 1/2 लिख देती हूँ। तो पी बेस कहने का मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जिसे हम पी बटा क्यू में लिख सके और उसे हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे दिखा सकते हैं हम, किसी भी मान लीजिए मेरे पास परिमेय संख्या है, उसे मैंने उसको दशमलव में लिख दिया और दशमलव को मैंने फिर संख्या रेखा पर देख लिया कौन से दो अंकों के बीच में आएगा और उसे फिर हमने कर दिया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, ठीक है ठीक है। चलो फिर देखो अब मुझे बताओ क्या -25 एक परिमेय संख्या है, क्या -25 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। आप इसको इसके नीचे एक लगा सकते हो, यानी कि ये p बटा q की फॉर्म बन गई, और जो p बटा q की फॉर्म बन जाए बच्चे वो हमारा क्या होता है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है, है ना, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी संख्या नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमारा परिमेय संख्या होगा। मैंने बोला बेटा मान लो मेरे पास 1/2 है, ये एक परिमेय संख्या है, क्या मैं इसे नंबर लाइन पर दिखा सकती हूँ, यानी कि संख्या रेखा पर दिखा सकती हूँ, यस बेटा कैसे दिखा सकती हूँ। देखो मैंने आप सभी को भिन्न को बदलना आता है ना, भिन्न को या परिमेय संख्या को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, मैं क्या करूंगी इसको 2 से भाग कर दूंगी, 1 से को
जीरो यानी कि यहाँ जीरो लगाया, यहाँ पर आपका पांच आएगा, पांच से किया तो आपके पास कितना आ गया 0.5। अब इतना तो मेरे सभी बच्चों को पता है ना कि ये जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, यानी कि जीरो और एक के बीच में कहीं पे मेरा क्या होगा 1/2 होगा। क्या मेरी बात आप समझ आई है कैसे हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या को? यस और नो बेटा, लिखते जाना, ऐसे नहीं आएगा समझ तो सभी बच्चे लिखते जाना, है ना? बिल्कुल, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो। अब ठीक है, चलो कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या, मैंने ये यहाँ पर कई सारी ना परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं या P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, इनमें कोई कुछ समानता है क्या? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या इसमें कोई समानता है क्या? देखो ऑब्जर्व करो, क्या इनमें कोई समानता है इन नंबरों में? देखो ध्यान से कॉपी में लिखो और देखो और मुझे बताओ, हैंड रेज कर देना जिनको दिख गया है कोई समानता है तो। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे, और भी मेरे बच्चों के आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो जोगिंदर तनवर की आईडी से जो मेरा बच्चा है, बेटा बता दो क्या है इसमें सिमिलैरिटी, क्या समानता है बताओ जरा। अरे वाह बहुत सारे हैंड रेज हो गए अब तो, बता दो जरा जल्दी से बेटा, मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं, गलत होगा तब भी हेल्प कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आता है उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है, है ना, काफी आपको समझाना है। चलो और हिमांशु शर्मा की आईडी से जो मेरा बच्चा है बेटा, आप बता दो हिमांशु शर्मा की आईडी से। चलो मैम इसमें हाँ। जैसे कि 2/4 ये कट जाएंगे, हाँ इसे हम क्या सरलतम रूप में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना, और ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये भी 1/47। हाँ तो कहने का क्या मतलब है बेटा, क्या सिमिलैरिटीज है इनमें, ये सारे नंबर एक ही है, है ना, बस इनको अलग अलग तरीके से हमने लिखा हुआ है, ठीक है सभी ये एक ही नंबर। प्रीति की आईडी से तैयारी कुछ बच्चे, ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये दो सारे नंबर समान है, तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं इन्हें, इक्वल एंड रैशनल नंबर, मतलब उन्हें सरलतम रूप में लिखेंगे ना तो वही नंबर आएंगे सभी, ठीक है, तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं इन्हें। इनका यूज बेटा कहाँ पर होगा, अभी जब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं ना तब हमारा इनका यूज आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कभी निकालना चाहो तो कई सारी परिमेय संख्या दो किसी भी एक नंबर का आप बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, चलो अभी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या ये बात सही है? मान लो मैं आपको दो नंबर दे रही हूं, ठीक है, मैं नंबर लिख रही हूँ 2, 5/7 और यहाँ पर मैं मान लो लिख रही हूँ 12/7, इन दोनों नंबरों के बीच में मैंने आपको कहा परिमेय संख्या बताओ, मैंने आपसे बोला 5 परिमेय संख्या बताओ, आप बता दोगे, क्या ये पता है आप सभी को कि किसी भी दो नंबर के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है बेटा? असीमित, अपरिमेय, असीमित रूप से बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड होती है, अनगिनत, है ना, आप तो 5 ही बता रहे हो ना, इसीलिए आप लोगों का जो आंसर होता है किसी का पहले 5 बता देता है, कोई बाद के कोई 5 बता देता है, कोई बीच में से कोई नंबर लेके 5 बता देता है। तो कहने का मतलब क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, लिख लो इसको सभी बच्चे, क्लियर है ये बात, कि कोई भी दो नंबर ले लो, अभी मैं निकालना भी बताऊंगी, वैसे हमने ये सीख चुके हैं बट मैं फिर से बताऊंगी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कैसे परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। यहां तक समझ आया बेटा? कभी भी कोई आपसे पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है तो आप क्या कहोगे? अनलिमिटेड, है ना, असीमित होती है। क्या मेरी बात समझ आई है ये सभी को? या किसी को डाउट है बेटा? डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है, डाउट हो तो पूछते जाना। यस बिल्कुल सही,
ठीक है, चलो फिर इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास दो नंबर है, एक और दो, ठीक है। आपको ना इन दोनों नंबर के बीच में मुझे परिमेय संख्याएं बतानी है, ठीक है। आप क्या करोगे, अब एक और दो के बीच में बोलोगे मैम कोई नंबर ही नहीं आता, हम कैसे बताएं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं क्या करती हूँ, मैं एक को ना क्या कर लेती हूँ, मैं एक के नीचे दस से गुना कर देती हूँ, ठीक है। दो के नीचे भी दस से गुना कर देती हूँ, ऊपर नीचे करते हैं बेटा, किसी भी नंबर से जब भी हम किसी भी संख्या को करते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा दस बटे दस, ऐसे ही मैंने दो को भी कर दिया, ऊपर भी दस से नीचे भी दस से, ठीक है। तो मुझे कितना मिल गया बेटा, कितना मिल गया, बीस बटे दस। अब अगर मेरे पास दो संख्याएं आ गई, दस बटे दस और बीस बटे दस, मैं इसके बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं बता सकती हूँ। मैंने बोला आपको पांच ही बता दो, आप तो बता दोगे, कौन कौन से बताओगे। कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे मैम हम स्टार्टिंग की पांच ले लेते हैं, ग्यारह बटे दस, बारह बटे दस, ठीक है, तेरह बटे दस, चौदह बटे दस, ठीक है, पंद्रह बटे दस, सोलह बटे दस, सत्रह बटे दस, अठारह, उन्नीस, बीस, ऐसे, ठीक है। तो बेटा हमारा, हम अभी भी हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या निकालनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, हम हर जो होता है नीचे जो हर होता है ना उसे सेम बना देते हैं। जिनमें सेम होता है उनमें ठीक है, जिनमें नहीं होता उनमें हर को सेम बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। चलो फिर, बहुत बढ़िया, अगर समझ आ गई है तो ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं सिर्फ सौ को ही, दस को ही गुना कर सकती हूँ, मैं सौ को भी कर सकती हूँ। मैंने सौ को गुना करके अब इसके बीच में आप बहुत सारी और निकाल सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अनलिमिटेड बहुत सारी हो सकती है, बस हर सेम बना दो दोनों के, और उसके बीच की जितनी उसने पूछी है उतने आप बता सकते हो। क्या परिमेय संख्या है दो नंबर्स के बीच में, तो कितनी परिमेय संख्या होती है किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, बेटा अनंत परिमेय संख्याएं होती है। हिंदी में वर्ड हम लिख लो, अनंत परिमेय संख्या है। चलो मान लो मैंने दो नंबर लिखे, तीन बटा पांच और चार बटा पांच। मैंने कहा इन दोनों नंबर के बीच में ना आप पांच परिमेय संख्याएं मुझे बता दो, पांच परिमेय संख्याएं, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप पांच परिमेय संख्या बताने के लिए। मैम हम पहले तीन बटे पांच लिख के इसको गुणा कर दें छह बटे छह से। यस, बिल्कुल सही। तो बेटा तभी भी देखो आपको दिख रहा है कि नीचे के नंबर सेम कर देते हैं, लेकिन नीचे के नंबर तो सेम ही है, ऊपर पे नंबर आपका तीन है और चार है, तो आप इनके बीच में कैसे लिखोगे। तो हमेशा याद रखो जितने आपको नंबर निकालने हैं, याद रखो जितने आपको नंबर निकालने हैं ना उसमें एक प्लस कर दो, और उस नंबर यानी कि छह आ गया, अब छह से ऊपर नीचे दोनों को गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया अठारह बटे तीस, और इधर से कितना हो गया चार बटे पांच को छह से गुना किया, हमें कितना मिल गया बच्चे, छह चौबीस, चौबीस बटे तीस। तो मेरे पास दो नंबर आ गए अब, है ना। अब देखो हर सेम है इनके, मैं इनके नीचे लिख सकती हूँ ना अठारह बटे तीस और चौबीस बटे तीस। अब मैं इसके बीच में लिख सकती हूँ ना क्या, कितने भी नंबर लिख सकती हूँ, उन्नीस बटे तीस, बीस बटे तीस, है ना, चौबीस, बीस बटे तीस, इक्कीस बटे तीस, बाईस बटे तीस, तेईस बटे तीस, चौबीस बटे, तो है ही, तो पांच हो गई। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आएगा, मैम क्या हम सिर्फ छह से ही गुना कर सकते हैं। नहीं बेटा, आप सात से, आठ से, नौ से, दस से, किसी से भी कर सकते हो, दोनों के बस हर सेम बनाने हैं, ठीक है। बट हम करते क्यों है उससे, क्योंकि हमें उसने बोला था पांच चाहिए, तो मैंने पांच से एक एक्स्ट्रा लेके छह से कर दिया, तो मुझे उतने ही नंबर मिल जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं, सबका आंसर भी सेम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसी नंबर से कर दिया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो, जल्दी से बता दो, फिर मैं पूछूंगी एक क्वेश्चन सभी बच्चों से। किसी को डाउट है तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर, ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर है बेटा तीन बटे सात, और यहाँ पर नंबर है बेटा पांच बटे दो, मान लो ये नंबर है,
ठीक है, आपको इन नंबर के बीच में मुझे पांच परिमेय संख्याएं बतानी है, बताओ क्या करोगे। और जिसको बेटा डाउट हो ना डायरेक्ट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही के लिए है ताकि आपके एग्जाम अच्छे जा सके। ठीक है चलो बताओ, कॉपियां दिखा देना, ठीक है कॉपियां दिखा देना, करने के बाद क्या कर रहे हो, और कोई डाउट आए तो बता देना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आप पहले, मैं ही बता देती हूँ कि आप देखोगे हर ही सेम नहीं है, तो पहले तो आप क्या करोगे बेटा, हर सेम बनाओगे। हर कैसे सेम, हाँ हर सेम कैसे करते हैं, हम इसके हर से इसको गुना कर देते हैं, यानी कि दो से ऊपर नीचे, और इसके हर से इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, तीन दुनी छह बटे चौदह, और यहाँ से आ गया 35/14। आप तो इसके बीच में आप पांच आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। अच्छा अभी तो मैं ले सकते हैं, हाँ बेटा कोई से भी पांच ले सकते हैं, हाँ कोई से भी पांच ले सकते हो, इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, 6 से 35 तक के बीच में, यानी कि 30 के अराउंड में आ जाएंगे, आप कोई से भी पांच लिखो। ठीक है, लेकिन ये सब करके दिखाना है पेपर में भी, ठीक है, गुना क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब बताना है। ये जब मैंने ये जो बताया ना, 6 में जितने निकालने हैं उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, वो तो आपको तब करना है जब आपके नीचे के हर ऑलरेडी सेम है और ऊपर के नंबर संख्या कुछ है नहीं, तब करना है। वैसे अगर हर ही डिफरेंट हो तो हर को पहले सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, दोनों के हरों को एक दूसरे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, या किसी मेरे बच्चे को डाउट है इसमें, बता दो जरा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगर क्लियर है तो मतलब अब आपको ये समझ आ गया कि कभी भी दो परिमेय संख्याएं दी गई हो आपके पास, तो आप उनके बीच में कैसे आप निकाल सकते हो क्या परिमेय संख्याएं, राइट। तो चलो मुझे एक क्वेश्चन का पहले आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक नंबर है, क्या बेटा मेरा पेल पोल में आज पूछूंगी बहुत सारे क्वेश्चन, तो फिर आपके टॉपिक रह जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है सो करेंगे, कोई बात नहीं उसमें से भी लेंगे। ठीक है चलो, मेरे पास नंबर है बेटा 5/7, और यहाँ पर नंबर है बेटा मान लीजिए 4/9 ले लें क्या, 5 ही ले लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है चलो, ये आपको इन दो नंबर के बीच में बेटा पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, कितनी बतानी है बच्चे, पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। चलो और कॉपी दिखा देना मुझे, ठीक है करके कॉपियां शो कर देना सभी बच्चे। ठीक है, एक बच्चे की आई मेरे, वेरी गुड, ब्रजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड, और बाकी बच्चे भी दिखा दो बच्चों। बेटा करेंगे सभी बच्चे तभी आपको आएगा, है ना। मनीषा की आईडी से बेटा हैंड रेस कर रहे हो, कुछ डाउट है क्या। जोगिंदर की आईडी से, वेरी गुड बेटा, प्रीति झांगरा की आईडी से, वेरी गुड, अनूप की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है देखो सिंपल है, ठीक है आपने क्या किया, 5/7 लिखा, इसके गुना बेटा दोनों तरफ किससे कर दी, 3 से कर दी, क्यों, क्योंकि इधर 3 था, इतना आ गया 15/21। ठीक है, इधर आपने क्या किया, 4/3 थी, 7 से गुना कर दिया, कितना आया 28/21। ठीक है, हर दोनों के सेम हो गए, अब 15/21 है और 28, 15 और 28 के बीच में तो कितनी सारी गिनती आ जाती है, लिख दो सारे, पांच परिमेय संख्या बतानी है, 5 बता दोगे। अच्छा बटे में 21 लिखना बहुत जरूरी है, वो मत भूल जाना, ठीक है
चलिए, क्या सभी को क्लियर हो गया है? दो परिमेय संख्या कैसी भी नंबर दिए गए हो आपको निकालना आ जाएगा। तीन तरीके के देख लिए हमने यहाँ पर। सबसे पहले बेटा देखा कि नॉर्मल नंबर दे दे, दो तीन या एक दो तीन चार, तो आपको पता है नीचे आप क्या करो, हर से किसी भी नंबर से ऊपर नीचे गुना कर दो आराम से। मैंने इसको 10 से कर दिया ऊपर नीचे, तो 10/10 और ये 20/10 बन गया। अब बस लिख दो परिमेय संख्या। दूसरी हमने देखी कि मान लो आपके पास 2/3 ले दिया और 3/ मान लो सॉरी 2/7 दे दिया और 3/7 दे दिया, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिखना है दो, लेकिन आपके हर तो सेम है लेकिन आप इनमें आप लिख नहीं सकते, दो और तीन है। तो हम क्या करते हैं, जितने उसने पूछी है परिमेय संख्या, मान लो 5 पूछी है, तो हम उससे एक ज्यादा 6 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, उससे ये हो जाएगा कि आपके पास स्पेस आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे 12/42 और यहाँ से कितना आ जाएगा 18/42। तो 12 और 18 के बीच में आप बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। तीसरा हमने कौन सा देखा कि जहां पर आपके पास यही अलग हो, मतलब हर ही सेम ना हो, तो आप क्या करते हो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट हरों से मल्टीप्लाई कर देते हो और एक जैसे हर बना देते हो और उसके बाद उनको सॉल्व कर देते हो। मतलब 3/7 को आप 2 से गुना कर दोगे 6/14 और यहाँ पर 5/2 को 7 से गुना कर दोगे कितना आएगा 35/14। तो 6/14 और 35/14 के बीच में तो आप बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हो। तो मेजर यही तीन टाइप होते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, बताओ जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से कोई भी किसी भी तरह का आपका पेपर में पूछ सकते हैं।